राणा भाई ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पे वो लगा रखा है हर लाइन के बाद तकिया कलाम इतना तो मैंने आज तक नहीं बोला होगा भाई ने जितना एक वीडियो में बोल दिया बेल आइकन दबा रहा हूं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे भाई ने रटे हुए वेल हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग तो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है फिर भी हम निकल चुके हैं एक नई राइड पर आज की राइड है एक ऐसी जगह जो बहुत कम लोगों को पता होगी शायद तो कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं देखने के लिए हमारे साथ बने रहे ब्रीफ मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ आज मैं जा रहा हूँ अपनी बुलेट से जा रहा हूँ मतलब रास्ता थोड़ा सा ऐसा वैसा होने वाला है तो अभी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ मैं और जो जा रहे हैं वहाँ पे हमारी राइडिंग तो हो ही जाएगी काफ़ी और ट्रैकिंग भी है 3-4 किलोमीटर की तो कैसा कैसा होगा मज़ा तो बहुत आने वाला है आज आपको भी और हमें भी और सुबह के बज चुके हैं 8 निकलना था 7 बजे तो ऑलरेडी लेट हो गए एज़ यूजुअल हमेशा लेट से निकल रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा और मौसम तो सही हो रहा है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो लेट्स सी कैसे कैसे होता है तो राइड की शुरुआत हो चुकी है और ये दो लोग मेरे साथ हैं तो दो बाइकों में 3 लोग जा रहे हैं आज तो मज़ा तो बहुत आने वाला है और बता देता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं घंटाकरण मंदिर या तो घंडियाल देवता जैसे गढ़वाली में बोलते हैं तो घंडियाल देवता जो है वो बद्रीनाथ धाम के रक्षक माने जाते हैं जैसे केदारनाथ के रक्षक हैं आपके भैरव तो इन्हें बद्रीनाथ धाम का रक्षक बोला जाता है ये अभी हम ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे नरेंद्र नगर से आगे करीब 100 किलोमीटर की राइड होगी 6-7 किलोमीटर का ट्रैक होगा तो मज़ा तो बहुत आने वाला है आगे निकल चुके हैं आगरा फाल की तरफ रोड यहाँ पर ये NH लग जाता है नेशनल हाईवे तो बहुत ही अच्छी रोड हो जाती है और मतलब मज़ेदार रोड है आप लोग ने पहले भी देख रखे होंगे मेरे कई ब्लॉग में यहाँ पर मैं आता रहता हूँ और मौसम अगर तो सबके सही है लोग आज भी मतलब ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया 4 धाम की यात्रा खत्म हो गई है परसों से तो सही है ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं है बस ट्रक वगैरह का है और यहाँ से आगरा फाल में देखेंगे नाश्ता वास्ता कुछ करेंगे उसके बाद आगे की कंटिन्यू करेंगे जर्नी आगरा फाल से खाड़ी गांव आता है खाड़ी गांव से हम कट जाएंगे गजा की तरफ और गजा से थोड़ा सा आगे जाकर ही ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी तो ओवरऑल इतना ज़्यादा गाइडिंग नहीं है पर ट्रैकिंग सही हो जाएगी तो इसलिए जल्दी निकले थे आज कोशिश करी थी जल्दी निकलने की निकल नहीं पाए वो बात अलग है तो खाने के लिए रुके हैं अभी खाना मतलब ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया परांठे परांठे ऑर्डर करा है खाना ऑर्डर करा है कुछ बोल रहे थे रुक गए बोलते बोलते तो एरिया ये है ये व्यू है व्यू इस व्यू को देखते हुए आराम से खाना खाएंगे अभी हम और जाना उस तरफ है आए थे उस तरफ से कुछ ऐसा मेकशिफ्ट सा हमारा बैठने का है और अब देखो ऐसा है आधा रास्ता करीब आ चुके हैं हम लोग थोड़ी देर में और आगे जाएंगे खाना खाते हैं खाना देखते हैं कैसा कैसा चल रहा है फिर देखते हैं कितना देर लगेगी सारा कुछ हम आपको बताते रहेंगे तो अब हम खाड़ी गांव से गजा की तरफ मुड़ चुके हैं चंबा खाड़ी से अगर सीधे जाएंगे तो चंबा पहुंचते हैं और हम उधर मुड़ गए हैं गजा की तरफ
तो गजा की तरफ हमें अभी 19 किलोमीटर चलेंगे तो गजा पहुंचेंगे। गजा से थोड़ा सा आगे जाके हमारे ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। दोबारा गांव है शायद से वहां पर, तो वहां से फिर ट्रैकिंग वगैरह का शुरुआत है। अभी हम देखते हैं, गजा के रास्ते पर ही चल रहे हैं। जंगलों का एरिया आ गया है, मतलब ट्रैफिक भी है थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है एकदम सुनसान रास्ता है। और चीड़ के पेड़, बांज के पेड़ दोनों है यहाँ पर। और सड़क एकदम अच्छी बनी हुई है, मतलब टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, गड्ढों का नामो निशान नहीं है। तो पहाड़ में ऐसी रोड देख के भी मजा आ जाता है। और माइलस्टोन दिखा रहा है गजा 9 किलोमीटर, तो शायद से 1-2 किलोमीटर और आगे जाना है। अब हम चल चुके हैं गजा से आगे। तो लोकल से पूछा था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि अगर एक चढ़ाई जो है गजा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वहाँ से चढ़ाई काफ़ी है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये एक नया रास्ता बना है, थोड़ा सा आगे तक जाता है, वहाँ से जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी कम है, बेसिकली जो ट्रैक है। तो हम यहाँ आ रहे हैं और देख सकते हैं एक साइड पूरी खाई है नीचे। तो वैसे काफी अच्छा रास्ता है। अब आप बोलेंगे चल तो मैं ऐसे रहूं, तो ये तो कुछ कुछ जगह भी है बस, अदरवाइज रास्ता बहुत अच्छा है। इवन मैं अगर अपनी सुपर बाइक से भी आता तो भी आ सकता था, इतना तो वो भी कवर कर लेती ये रास्ता। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन के वो है, ऐसे झोपड़ी बना के यहाँ पर। तो पहला बोर्ड हमें दिख गया है यहाँ पे, और यहाँ से हमें जाना है ऊपर। थोड़ा सा है ये रास्ता, उसके बाद हम अपनी गाड़ी को कर देंगे पार्क और ट्रैक हो जाएगा शुरू। ऐसी जगह आता है मजा चलाने का, देख रहे हो। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं एक लोकल बुग्याल में, बस यहाँ पे गाड़ियां हो जाएंगी पार्क। वो सामने पहाड़ी है ना उधर, वहां जाना। तो फाइनली शक्ल में दिख गई है मेरी और गाड़ियां हमारी हो गई है पार्क। ये एक छोटा सा बुग्याल है, पानी का है, यहाँ पे आके गाड़ियां हो जाती है पार्क। और इससे ऊपर की जो है वो चढ़ाई है, कितनी चढ़ाई है ये देख सकते हैं आप। मंदिर की दूरी 3.8 किलोमीटर्स, 3.8 किलोमीटर्स कहाँ है वो ऊपर पहाड़ दिख रहा है, वो वहाँ जाना है। तो आज मेरे साथ साथ कौन कौन है वो भी दिख जाएगा आपको। Hello guys. अभी कराता हूँ like, share and subscribe. तो शुरुआत तो हो चुकी है ट्रक की। दबाना ना भूले। हाँ तो भाई इंट्रो दे दो अपना अपना। हेलो, माय सेल्फ नितेश राणा, मर्चेंट नेवी के अधिकारी, सिंगापुर में तैनात। सिंगापुर में तैनात थे, अब हम यहाँ आ गए, ये भी कहीं ना कहीं तैनात है। तैनात है हम दोनों। हाँ भाई अपना इंट्रोडक्शन आप ही दे दो फोन भाई, आप अच्छा बोल गए, मैं पता है आवाज भी खराब है। ये नफीस
एसोसिएट डायरेक्टर इन अजीत सिंह बिस्ट फर्म एएसबी एंटरप्राइजेस के क्या है वो एसोसिएट डायरेक्टर मनी मैनेजमेंट फर्म मनी मैनेजमेंट का काम करते हैं। आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे तो इनके पास लगवा लेना ये इन्हें बात बात पे गाली दिलाते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूले वो मैं बताता हूँ। देखो वो जो सामने दिख रहा है ना वो चौखंबा है चौखंबा पीक व्हाइट वाला व्हाइट ही है सारे जो सबसे साइड में जो दिख रहा है ना दो फिर उसके बाद तीसरा व्हाइट वाला है ना पूरा हाँ अच्छा जो वो एकदम साइड में दिख रहा है ना वो अच्छा इन सब पीक्स के नाम है क्या। हाँ हाँ ये मेरे ख्याल से नंदा देवी हो सकता है ये चौखंबा है ये अभी थोड़ा सा चले हम 600-700 मीटर यहाँ पे जगह जगह इंडिकेशन है कि इसी तरफ जा रहे हैं मतलब हम सही जा रहे हैं ठीक है और हम जाते रहेंगे। राणा भाई ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पर वो लगा रखा है हर लाइन के बाद तकिया कलाम इतना तो मैंने आज तक नहीं बोला होगा भाई ने जितना एक वीडियो में बोल दिया बेल आइकन दबा रहा हूं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाई ने रटे हुए हैं ये तो मुझे भी नहीं आता मुझे भी याद करना पड़ेगा बहुत बेल दबाई है लग रहा तो वैसे ट्रैक सही लग रहा है प्लेन सही है हां प्लेन ही है अभी आया ना प्लेन तो लेकिन बट इट्स स्लिपरी अभी तक तो हां बरसात में यहाँ पे जोंक जाक होंगे पर मजा बहुत आ रहा है भाई बिकॉज़ द वेदर इज कूल ऐसा ठंडा रहे ना तो सही रहता है। हाँ धूप पड़ रही है सारा वेलिंगटन यहाँ पे भी है भाई यहाँ कौन सा वेलिंगटन है तो वो चल रही ना ट्रेनिंग तो थोड़ा सा ऊपर आ चुके हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं वो ऊपर ऊपर जाना है हमें सामने जो पहाड़ी दिख रही है ना ये यहाँ पे मज़ा तो बहुत आने वाला है। मंदिर 2.5 किलोमीटर बस 2.5 किलोमीटर ऐसे ऊपर जाना है ऊपर को सीधे नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर कर दीजिएगा। और दूसरा ये आराम कर रहे हैं वो जो डालन वाला प्रॉपर्टी थी ना वो उसका मैंने नंबर भेज दिया आपको रिकॉर्डिंग होती है अच्छा वो तो शिप पे हैं कैप्टन साहब उन्होंने अपने पापा और मम्मी का नंबर दे दिया है। तो भाई बहुत मेहनत के बाद काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं भीम चूल्हा पे पहुँच चुके हैं बस मंदिर सामने ही है ऑलमोस्ट अब तक हम करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हमें चलते चलते चढ़ाई चढ़ते चढ़ते काफ़ी बाइक चलाने के बाद ट्रैकिंग करना भी थोड़ा मुश्किल काम ही होता है आसान नहीं होता। एक भीम ऐसा ऐसे जिनकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर क्यों लगी है ये तो मुझे भी नहीं पता ऑब्वियसली कोई ना कोई कहानी तो होगी होगी। तो ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार भंडियाल देवता फाइनली पहुंच गए तो मंदिर में अंदर कर लिए हैं दर्शन और पंडित जी ने लगा दिया गेट मंदिर का और कैसे समझाऊं पूरे मंदिर में घंटे ही घंटे हैं हर जगह जहाँ देखेंगे वहाँ पे घंटा ये तो नॉर्मल हर मंदिर में ही होता है साइड में भी घंटा रखा हुआ बड़ा वाला इधर भी साइड में
ये सारे कुछ दान में आते हैं, कुछ वैसे आते हैं। ये बिल्कुल इसका रेनोवेशन वगैरह का काम भी चल रहा है साथ के साथ, पूरी तरह पब्लिकली फंडेड है चंदे वगैरह से। और मतलब बहुत अच्छा बना दिया अब तो, पहले बोला बहुत छोटा था, 10 साल से काम चल रहा है, फंड्स की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखेंगे कितना बड़ा घंटा लगा वर्क, देख रहे हैं मेरा हाथ का साइज देखो, उस हिसाब से इतना बड़ा घंटा है ये। और ये प्योर पीतल वीतल किसी चीज़ का है, ऐसे सारे हर तरफ कोने में भी घंटियाँ ही घंटियाँ, ये सारी दान की घंटियाँ होती हैं, दान देते हैं जो। ये देख रहे हो ऊपर भी घंटे लगे हुए हैं, ये सारे घंटे लगे हुए हैं, ये देखो घंटियाँ ही घंटियाँ, जहाँ जाएंगे वहाँ पे घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। और आसपास का नज़ारे देखेंगे, सामने हिमालय वगैरह पूरा दिख रहा है। और वहाँ पे देखो इधर है चौखंबा जो अभी बादलों के पीछे छुपा हुआ है, नीचे है कौन सा गांव था ये जहाँ से आया था, अभी आपको याद है वो नाम, नाम तो मैं भी भूल गया। ये देखो घंटे पूरे बड़े बड़े, जो ऐसे ऐसे लोग हैं ना ये ना आए आफ्टर 2 आवर्स, गौर से देखिए सिंगापुर में तैनाते हैं अभी मर्चेंट नेवी के अधिकारी, सिंगापुर में तैनाते हैं, यही है उत्तराखंड में साल में 9 महीने सिंगापुर इनका भारत में रहता है 3 महीने तैनात रहते हैं, बाकी के 9 महीने घंटियों के साथ लो ना इधर से फोटो, घंटियां तो आए बाकी के 9 महीने। तो टाइम बच चुके हैं 4:30, लेट मी कंफर्म 4:45, टाइम बज चुके हैं 4:45 और घर जाना है बहुत दूर, अभी 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि उतरना भी है। तो चलते हैं अभी, आई होप आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपके सजेशंस कंप्लेंट्स या कुछ भी आपका है XYZ इशू वो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग में अगली बार, टिल देन कीप वॉचिंग PVSR व्लॉग्स, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, तभी तो मैं आगे और भी ऐसी जगह आ पाऊँगा आपके आपको दिखाने के लिए, है ना। तो गाइस बाय बाय, दिन ढलने वाला है, देख ही सकते हैं सामने का नज़ारा आप। तो बहुत लंबा दिन रहा है, थकान से बुरा हाल है, एंड यहीं करते हैं आज का।